मैग्नेटिक डायपोल यानी कि बार मैग्नेट पे जो टॉर्क काम कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या होगा? तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो टॉर्क काम कर रहा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल पे जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है एम, जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी में रखा हुआ है, टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, यानी कि एम बी साइन थीटा, जहां पर थीटा जो है वो एंगल है इस एम और बी के बीच में। कई किताबों में आप देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो बात है यहाँ पर कि एक बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसका, ये जो आपने रखा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, तो यहाँ पर जो रखा तो क्या होगा? तो जब पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसको हम इस तरीके से मान सकते हैं, इक्विवेलेंट मान सकते हैं, जो फोर्स काम कर रहा है किसी एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे, है ना, यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर एक इस तरीके से काम कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेगी, एक एफ एन को यहाँ घुमा ले जाएगी, एक एफ एस को यहाँ ले जाएगी, इस पोल को इधर तरफ ले जाएगी, इसको इस तरफ ले जाएगी, मतलब फोर्स लगेंगे तो फोर्स खींचेगा चीजों को, लेकिन लेकिन ये जो फोर्स है वो एक डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में है, बराबर है बट कोलिनियर नहीं, इसका मतलब ये इसको घुमाएंगे, टॉर्क जनरेट करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, अगर आप देखें इसके और इसके बीच में क्या होता है डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस है, मतलब अगर मैं एक फोर्स ये कहूँ एक फोर्स ये कहूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, तो ये एन डी डिस्टेंस यहाँ पर होगा। तो जो इस कपल यानी कि जब टॉर्क जनरेट होगा तो बेसिकली ये कपल फॉर्म कर रहे हैं, दो आपके चार्जेस हैं या दो आपके पोल स्ट्रेंथ हैं, वो आपको एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, डिस्टेंस भी बता दिया। तो इस कपल के इन्फ्लुएंस में, इस कपल के इफेक्ट में जो मैग्नेटिक डायपोल है वो रोटेट करेगा नई पोजीशन में ताकि ये थीटा एंगल बना सके बी के साथ। तो यदि जो एंगल है थीटा बहुत छोटा है तो हम टॉर्क को बोल रहे थे एम बी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम डायरेक्टली थीटा ले लेते हैं, तो एम बी थीटा हो गया। अभी जो टॉर्क है इसको घुमाने की कोशिश करेगा किस डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। अगर हम चाहते हैं कि रोटेट करें इस डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ घूमने की कोशिश कर रहा है, हम इसको इस तरफ भेजना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं किसी और थीटा से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो टॉर्क क्या हमको अपोजिट डायरेक्शन में कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो हम रिस्टोरिंग टॉर्क कह सकते हैं इसको, कि ये घूमने की कोशिश कर रहा है, हम इसको घूमने से रोकना चाहते हैं, तो रिस्टोरिंग टॉर्क हम लगाना चाहते हैं, टॉर्क हो गया माइनस एम बी साइन थीटा, उसी वही वैल्यू होगी माइनस एम बी साइन थीटा से बराबर हो जाएगा। हाँ, अब टॉर्क क्या होता है, ये मैग्नेट देखिए आई एम हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं पिछले डिस्कशनों में, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये आपका ठीक आई एम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, किसके साथ, मैग्नेटिक डायपोल का, किसके रिस्पेक्ट में, जो एक्सिस परपेंडिकुलर है, जो प्लेन है फिगर का और पास कर रहा है इस डायपोल के सेंटर से, तो इसको हमने कहा माइनस एम बी थीटा। अब डी थीटा डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर रखना है तो आई एम को इसके नीचे ले जाइए, और ये जो होता है ये इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये जो आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ये सब चीजें सॉल्व कर रखी है, ये जो पूरा टोटल एम बी बाय आई एम है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो जो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह हो गया जिसका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको आप इक्वेट कर सकते हैं एम बी बाय आई एम से, यहाँ से हमने इक्वेट किया ओमेगा आ गया आपका अंडर रूट एम बी बाय आई एम, टाइप टाइम टी टी जो होता है टाइम पीरियड टू पाई बाय ओमेगा होता है, तो यहाँ पर इस ओमेगा की जगह ये रख दीजिए तो टू पाई अंडर रूट आई एम बाय एम बी आ जाएगा, और आपको बी निकालना हो तो ये फॉर्मूला है फोर पाई स्क्वायर आई एम बाय एम टी स्क्वायर। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस डायपोल मोमेंट डायपोल की, मैग्नेटिक डायपोल की किसी बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो कैसे निकालेंगे उसको, इंटीग्रेट करेंगे टॉर्क डी थीटा, टॉर्क की जगह आप रख दीजिए एम बी साइन थीटा डी थीटा, यानी कि साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन वो जो होगा माइनस कॉस थीटा होगा, यानी कि आप एम और बी का डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं, यही आपकी एनर्जी हो गई। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको हमने जीरो लिया है, ये कह के ये जान के ये जो पोटेंशियल एनर्जी है थीटा 90 डिग्री पे जीरो हो जाएगी जब मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल वो परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी, तो जब थीटा जीरो होगा तो क्या होगा माइनस एम बी कॉस जीरो की जगह वन आ जाएगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो ये कॉस 180 माइनस वन हो जाएगा तो ये प्लस एम बी हो जाएगा।
तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, जो बहुत स्टेबल पोजीशन बता रही है मैग्नेटिक डायपोल की। और ये जो चीज है, ये जो एमबी आया है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, जो आपको बता रहा है कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन है मैग्नेटिक डायपोल की इस मैग्नेटिक फील्ड में। एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको रखा गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट आपका 6.7 × 10⁻²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम आपका ये दिया हुआ है, ये 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करती है 6.7 सेकंड में। आपको मैग्नीट्यूड बताना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए टाइम पीरियड किस तरीके से निकलेगा, आपको बोला गया है कि 6.7 सेकंड में कितना ऑसिलेशन कन्वर्ट कवर करता है 10, तो 6.7 बाय 10 कितना हो गया, ये आपका टाइम पीरियड हो गया ऑसिलेशन का। तो 0.67 आपका टाइम पीरियड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला हम अभी अभी हमने देखा, 4π² Im/Mp², ये आई एम दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, टी हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ रखिए 0.02 टेस्ला आएगा। एक छोटा शॉर्ट बार मैग्नेट उसको प्लेस किया गया, रखा गया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो 600G। जब इसकी एक्सिस 30° बना रही है एक्सटर्नल फील्ड के साथ, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है 0.012 Nm। अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट इस मैग्नेट का क्या है, इसके बाद कितना काम किया जाएगा, वर्क डन, जो मूव करना है इसको मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन तक। और जो बार मैग्नेट है इसको रखा गया, प्लेस किया गया एक सोलेनोइड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिया हुआ है, और उसमें 1000 टर्न्स, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। तो आपको बताना है कि जो करंट फ्लो कर रहा है इस सोलेनोइड के थ्रू, तो क्या क्या दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं। हमको बी दिया हुआ है, इसको हम जरा चेंज कर लेते हैं 10⁻⁴ करके टेस्ला में कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा 30° दिया है, टॉर्क जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये हो गया, आपका नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, एरिया हो गया। अब इसमें बहुत सिंपल फॉर्मूले लगने वाले हैं। पहले के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इसका, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले जरा टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। टॉर्क क्या होगा, एम इंटू जो जो चीज दी है इस कारण से, टॉर्क होगा एम बी साइन थीटा, राइट। टॉर्क हमारे पास है एम, हमको निकालना है बी, हमारे पास है साइन थीटा, साइन 30 हमारे पास है, तो एम निकालेंगे यहाँ से। अब एक और हमारे पास इक्वेशन थी, आपने देखा था, हमने डिस्कस किया, जो मोस्ट स्टेबल पोजिशन है वो थीटा इक्वल टू 0° पे था, एम बी, राइट। हमारे जब थीटा इक्वल टू 0 था तो माइनस एम बी था, और जब हम थीटा इक्वल टू 180° किया तो प्लस एम बी आ गया। तो इनके जो डिफरेंस है, क्योंकि हमको मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन में ले जाना है, तो वर्क डन कितना होगा, 180 से माइनस करेंगे जो थीटा डिग्री पे है ना, 0° पे है, तो एम बी माइनस ऑफ माइनस एम बी यानी कि 2 MB। एम आपको पता है, बी आपको पता है, यहाँ रखिए आपके पास, वर्क डन आ जाएगा स्टेबल से मोस्ट स्टेबल पे ले जाने के लिए, अनस्टेबल पे ले जाने के लिए। इसके बाद जो तीसरा है, इसमें करंट निकालना है, इसलिए सीधा फॉर्मूला लगेगा, जो आपका एम एस है वो एन आई ए के बराबर होता है। एम एस या एम की बात हो रही है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, 0.4, और एन आपके पास है, आई आपको निकालना है, एरिया आपके पास है, एरिया भी दे रखा है यहाँ पर, ये वाला, तो यहाँ पर I इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, M हमने ये लिया हुआ है।